दोस्तों टाटा ने नई नई लॉन्च करी है कर्व ईवी एसयूवी कूपे जो ये है, और इसका डिटेल वॉक अराउंड यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दो ताकि हर बार जब भी हम कुछ नया वीडियो डालते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाए। अब आज मैं इस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूं। इसका बेस वेरिएंट आपको 17.49 लाख का पड़ेगा, इसका टॉप वेरिएंट आपको 21.99 लाख का पड़ेगा। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसके इंटीरियर फीचर्स क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये कैसी चलती है, एवरीथिंग एंड मोर। Start with the best part about the car, which is the coupe lineup. ये आप देखो ऐसे style करके इन्होंने ये निकाली है गाड़ी, जो कि बहुत sexy दिखती है मेरे हिसाब से। Polarizing opinions है, you let me know in the comments below आपको कैसा लगता है। आपको यहाँ पे ऊपर ही shark fin antenna मिलता है, वहाँ पे आपको panoramic sunroof मिलता है, यहाँ पे आपको defogger lines मिलते हैं, and one of the best things about this car, यहाँ पे आप leg swipe करोगे तो ये खुद से खुल जाएगा, as you can see, and इसका boot space जैसा मैं कहता हूँ क्लास में बेस्ट है, 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस अगर आप देखोगे तो इसमें आपके बड़े बैग्स बड़े प्यार से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम पीछे ही देखें तो इसके जो बॉडी क्लैडिंग है वो ब्लैक ग्लॉस पैनल में ट्रीट किया गया है, और बटन दबा भी सकते हैं और इसमें लेग स्वाइप करने पे भी ये बंद ही हो जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक स्किड प्लेट ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि काफ़ी सुंदर है। कंपनी ये कहती है कि ब्लैक पैनल पियानो ब्लैक में इसलिए लगाया गया है ताकि आप इसको साफ करोगे तो इसका एकदम न्यू लुक रहेगा। बॉडी क्लैडिंग जब आप मैट में फिनिश करते हो तो वो गंदा हो जाता है विद टाइम, उसका ग्रे चला जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। अगर हम गाड़ी के प्रोफाइल पे आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा 18 इंच अलॉय व्हील्स जिसमें एरो इंसर्ट्स भी हैं, और सारे व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अगर इसके नीचे के वेरिएंट में जाए जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 17 इंच व्हील्स मिलेंगे। अगेन क्लैडिंग यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है जो कि ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा साफ करोगे तो एकदम नया फ्रेश लुक आता है। आप मुझे ये बताइए कि व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो बैकलिट है जो कि काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। ये एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए भी अच्छा है और गाड़ी को एक कोहेसिव लुक देता है जो कि बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे अगर आपका ग्लास हाउस देखें तो यहाँ पे कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। ये जो पैनल है ये भी पियानो ब्लैक में दिया गया जो कि बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे आपको ORVMs मिलते हैं जो टर्न अप एज इंडिकेटर्स एज वेल, और यहाँ पे आपको छोटा सा कैमरा मिलता है जो आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में हेल्प करता है। अब अगर गाड़ी की फ्रंट की बात करूँ मैं तो पीछे और आगे कनेक्टेड लैंप्स मिलते हैं जो आपके DRLs को और टेल लैंप्स को कनेक्ट करते हैं जो कि बहुत सुंदर लगता है। इट्स आजकल बहुत ये फीचर देखने को मिल रहा है। आपका जो हुड है जो बॉनेट है उसमें आपको काफ़ी लाइंस मिलते हैं जो स्ट्रॉन्ग एक बुच लुक देता है गाड़ी को, लेकिन यही लाइंस आपको नेक्सॉन में भी मिलेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप क्या सोचते हो इस नए गाड़ी के बारे में जिसका जो डिज़ाइन है वो नेक्सॉन से भी मिलता है। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको सामने यहीं मिल जाता है, नेक्सॉन में आपको साइड में मिलता है। अगर मैं साइड में देखूं तो यहाँ पे आपको छोटे एयर कर्टन्स मिलते हैं फॉग लैंप्स के जस्ट नीचे। इस फॉग लैंप्स में आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिलता है, और यहाँ पे आपको देखो तो यहाँ पे ये क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं, एंड यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा मिलता है और ADAS के लिए आपका रडार भी वहाँ पे लगा हुआ है। अब सामने इसको अगर आप खोलोगे तो आपको एक छोटा सा फ्रंक भी मिलता है जो कंपनी बोलती है फ्रंट में जो ट्रंक है वो थोड़ा सा स्पेस है, उसमें 11 लीटर का स्पेस होता है। अब अंदर चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि अंदर क्या क्या है। चलो बात करते हैं टाटा कर्व ईवी के इंटीरियर्स के बारे में। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टॉप वेरिएंट में हम बैठे हुए हैं और इसमें आपको ये लाइट स्किन कलर का अपहोल्स्टरी मिलता है, लेदरेट अपहोल्स्टरी है ये। और अगर आप डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 12.5 इंच का स्क्रीन मिलता है जो इंफोटेनमेंट है। ऑफकोर्स इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल का प्ले मिलता है। अगर हम ड्राइवर डैश की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 इंच का ड्राइवर्स डैश मिलता है और ये डिजिटल है। इसमें आपको क्लियरली दिखाया गया कि वहाँ पे रेंज है और यहाँ पे आपको स्पीड दिखाया जाएगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो आपको सामने ही दिखाया जाएगा। ऑफकोर्स जो स्टीयरिंग व्हील है वो मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे आपको कॉल कंट्रोल्स और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साउंड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर आपका क्रूज कंट्रोल और वो सब मिल जाता है आपको। यहाँ पे ये जो बीच का पैनल है ये लिट अप होता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। ऑल्सो दिस इज अ फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि बहुत सुंदर दिखता है, और ऑल्सो ये फ्लैट बॉटम भी दिया गया है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेक मिल जाता है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, रीच फंक्शन नहीं है इसमें अवेलेबल। अब अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूं तो यहाँ पे आपको सारे HVAC
आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिल जाता है जिसमें आपको एसी, ऑटो और डिफॉगर्स और ये सब लाइंस, आपको सब कुछ टच स्क्रीन मिल जाता है। एसी के एडजस्टमेंट और टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे टैक्टाइल बटन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी कूल है, अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी टैक्टाइल फील भी है इनका। अगर मैं जस्ट नीचे आऊँ यहाँ पे, तो इधर आपको एक 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिलता है और एक यूएसबी पोर्ट मिलता है और एक 12 वॉट का आउटलेट भी मिलता है चार्जिंग के लिए। इसके बगल में आपको ये आपका ड्राइव सेलेक्टर है बेसिकली रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के लिए। एंड इसके बगल में आपको यहाँ पे ऑटो पार्किंग होल्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। एंड इसके बगल में ये नॉब मिलता है जो आपको ड्राइव मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें तीन मोड्स हैं, स्पोर्ट, सिटी और ईको। ईको बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा रेंज देगा, फ्रूगल है सबसे ज़्यादा। सिटी में आपको थोड़ा पावर मिल जाएगा और थोड़ा सा कम रेंज। एंड स्पोर्ट ऑब्वियसली ज़्यादा सैक्रिफाइस होगा रेंज का, लेकिन आपको पावर बहुत स्पिरिटेड मिलेगी, ड्राइविंग आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ जस्ट नॉब के बगल में यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग यूनिट मिल जाता है, बे मिल जाता है, और ये मैग्नेटिकली ओपनिंग स्टोरेज स्पेस है। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि कप होल्डर सेंटर कंसोल में नहीं है, विच इज़ अ मिस। अगर मैं बगल में देखूँ तो यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं डोर हैंडल्स के लिए, और उसके नीचे ही ब्लैक पैनल दिया गया है। एक डस्ट मैग्नेट भी है ये, बट अदरवाइज इट गिव्स अ वेरी पॉश और प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी बहुत महंगी है, और अपने जो इंटीरियर्स का जो फील है वो बहुत ही अप मार्केट है। यहाँ पे आपको स्टिचिंग मिलती है जो कि बहुत सुंदर है। एंड एसी वेंट्स भी बहुत स्लीक है, जिसमें यहाँ पे एक क्रोम फिनिश दिया गया है जो कि बहुत सुंदर है, एंड ये ग्रे फिनिश भी दिया गया है। डैशबोर्ड का ये फ्लोटिंग स्क्रीन है जो कि बहुत सुंदर लगता है। अगर मैं स्क्रीन की ही बात करूं तो यहाँ पे आपको इतने सारे फंक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलता है जो आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा कलर आपको चाहिए। अगर मैं होम पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको इतने सारे फंक्शंस मिलते हैं, आपका एलेक्सा भी चलता है इससे, आपका एक ऑलरेडी AQI लिखा हुआ है जो कि आपको अंदर एक एयर प्योरीफायर भी मिलता है, JBL का साउंड सिस्टम मिलता है आपको, यहाँ पे छोटे छोटे ट्वीटर्स मिलते हैं, चार स्पीकर्स मिलते हैं आपको। एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है कैमरा के साथ, आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, एंड जस्ट हियर आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिस वजह से आपको कैबिन बहुत अच्छा लगेगा ऑन योर लॉन्ग ड्राइव्स। जब आप चला रहे हो, यू कैन ओपन इट अप। एंड यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी बड़ा है। इधर जो डोर पॉकेट्स है इसमें आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। अगर मैं सीट्स की ही बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा साइड बोलस्टरिंग मिलता है और यू सिट इन अ वेरी यू नो टक्ड पोजीशन। बट आपको मैं ये बता दूँ कि इस गाड़ी के टॉप एंड में आपको दोनों सीट्स आगे से वेंटिलेटेड मिलते हैं, और स्पेशली जो पैसेंजर सीट है उसके लिए आपको हाइट एडजस्ट भी मिलता है, विच इज़ वेरी कूल। एंड दैट इज़ द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द टाटा कर्व ईवी का फ्रंट रो। लेट्स हेड बैक, आई टेल यू व्हाट देयर इज। दोस्तों बात करते हैं टाटा कर्व ईवी के सेकेंड रो एक्सपीरियंस के बारे में। पहले तो जो ड्राइवर सीट है वो मेरे सीट हाइट से एडजस्टेड है, एंड आई एम अराउंड मैं 5 feet 9 inches, 5 feet 10 inches हूँ। बट ये देखिए कितना लेग रूम है यहाँ पे, नी रूम कितना है, और मेरा हेड रूम भी काफ़ी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्कूप्ड आउट है क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे सनरूफ का मैकेनिज्म है, इस वजह से तो हेड रूम का थोड़ा सा, ये देखो इतना सा है। नाउ यहाँ पे आपको तीन पैसेंजर्स के लिए सीट 3-point सीट बेल्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें आपको कप होल्डर्स भी मिलते हैं। एंड इधर आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और इसी के नीचे एक 45 वोल्ट का सी टाइप चार्जर मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं, और ये सारा हैंडल जो है वो ब्लैक पैनल में फिनिश्ड है। एंड दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है आपको छोटे बैग्स रखने के लिए, यहाँ पे आपको छोटा एक लैंप मिल जाता है, और यहाँ पे छोटा सा एक गैप हो सकता था जहाँ पे आप मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर्स रख सकते थे, और ऊपर से क्या कहते हैं अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, और सीट कंफर्ट भी काफ़ी कुशनी है, काफ़ी सॉफ्ट से सीट्स हैं। यहाँ पे आपको जो आपका फैब्रिक है अपोल्स्टर ये है वो काफ़ी सॉफ्ट है, एंड वही इसके लाइट वाइट कलर मिलता है आपको। ये डस्ट मैगनेट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा आप कीप करोगे तो आपको काफ़ी सुंदर लगेगा, ये एक प्रीमियम लुक देता है जब आप कैबिन के अंदर बैठते हो। अब बात करते हैं ड्राइविंग की, जो कर्व ईवी का परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं टाटा कर्व ईवी के परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आपको दो बैटरी पैक्स अवेलेबल हैं, 45 किलोवाट आवर बैटरी और 55 किलोवाट आवर बैटरी। जो हम अभी वेरिएंट जो चला रहे हैं दैट इज़ द 55 किलोवाट आवर बैटरी, और ये टॉप वेरिएंट है। जो बैटरी है वो 165 BHP का पावर बनाता है और 215 Nm ऑफ टॉर्क बनाता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये 0 to 100 8.6 सेकंड्स में करता है, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि जब भी मैं इसको स्पोर्ट मोड में करता हूँ
गाड़ी में इतना पावर है और वो ऑन टैप है बिकॉज ये एक ईवी है बेसिकली, यहाँ पे पार्ट्स नहीं है जो आपका पावर को डिले करता है। तो अगर मैं ये स्पोर्ट मोड में डालता हूँ तो गाड़ी बहुत तेज भागती है। एट द सेम टाइम यहाँ पे तीन मोड्स हैं अवेलेबल आपको चलाने के लिए, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड। बेस्ट बात ये है कि आप तीनों मोड्स ऑन द फ्लाई आप टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा रोटरी नॉब दिया हुआ है और उसको आप ऐसे कर दोगे तो वो अपने हिसाब से वो कर देगा। और आपको बतावे प्रॉम्प्ट भी करते हैं कि आप सिटी मोड में चला रहे हैं। जो इको मोड है वो सबसे फ्रूगल मोड है, इसमें आपके जो इनपुट्स हैं वो थोड़े डल हो जाएंगे, आपका जो पेडल का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट इस चक्कर में आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। एट द सेम टाइम सिटी में आपको थोड़ा सा पावर मिलेगा और रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट द बेस्ट मोड टू, अगर आप स्पिरिटेड ड्राइविंग में इंटरेस्टेड हो इस गाड़ी को चलाने में, दैट इज़ द स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड को चलाते ही सारे सिस्टम्स बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, आप जैसे ही पेडल दबाओगे यू आस्क फॉर इट और आपको तुरंत पावर मिल जाएगी। बात रही ब्रेकिंग की, तो ब्रेक कैलिबर करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली हर गाड़ी का अलग होता है। ब्रेक्स एक्चुअली अच्छे हैं, चारों टायर्स पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड दबाते ही काफ़ी प्रोग्रेसिव है। आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वही होगा कि इस जगह पे आप प्रेडिक्ट करोगे तो उसी जगह पे रुकेगा वो। सस्पेंशन की बात करूँ तो गाड़ी का सस्पेंशन बहुत सफल है, छोटे मोटे गड्ढे बहुत आराम से सोख लेता है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छा रखता है। अगर बड़े गड्ढे तो यू हैव टू बी थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेली स्क्रेप नहीं करेगा ये क्योंकि 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी में, एंड वो एक्चुअली समराइज करता है कि टाटा कर्व का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। उसके अलावा अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आपको डैश में ही आपका छोटा सा कैमरा दिखा देगा एंड आपका नेविगेशन भी आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही आ जाता है, जो कि काफ़ी कूल है, आपको साइड में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं टाटा कर्व के आर्केड ईवी के बारे में। यहाँ पे आप मेन्यू पे जाएंगे और आर्केड ईवी पे आप क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ फोन राइड ऑन योर डैश। यहाँ पे आप बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि अमेजॉन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार, ESPN, यूट्यूब, बट ये सब स्ट्रीम तब होता है जब आप गाड़ी स्टिल होती है, जब और चलते वक्त ये स्ट्रीम नहीं होती। उसके अलावा ऐप्स में आपका पार्क प्लस ऐप भी है, अगर आप पार्क प्लस ऐप खोलोगे तो यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलते हैं जैसे कि आप इसमें फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हो, आप पार्किंग बुक कर सकते हो और पेट्रोल भी आप खरीद सकते हो। उसके अलावा अगर मैं गाड़ी के प्राइसिंग की बात करूं तो इसमें पार्क प्लस आपको कैसे हेल्प करता है, जो बेस वेरिएंट है वो 17.49 लाख का है और जो टॉप वेरिएंट है वो 21.99 लाख का है। इसमें आप पार्क प्लस पे लोन्स के लिए देख सकते हो क्योंकि पार्क प्लस ऐप पे बहुत सारे वेरीफाइड और ट्रस्टेड कंपनीज बैंक्स हमारे साथ पार्टनर हो चुके हैं जिसमें आप EMI कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें आपका डाउन पेमेंट और आपके EMI कितने ईयर्स तक बनेगा वो तक कैलकुलेट हो सकता है। चेक आउट दैट। स्टीयरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप स्लो स्पीड में चलाते हैं तो इसका वेट जो है, जो स्टिफनेस है, वो काफ़ी लाइट रहता है, बट अगर आप इसको तेज चलाने लगते हो, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स का चलाने लगते हो तो ये अच्छे से वेअप होता है। अगर मैं नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस की बात करूं तो बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आती। द कैबिन इज बहुत अच्छे से इंसुलेट किया गया है कैबिन को, एंड दैट्स द एंटायर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द टाटा कर्व ईवी। Now, what do I think about the Tata Curvv EV? At an asking price of 17.49 lakh rupees ex-showroom for the base variant and the top model that will set you back by 21.99 lakhs, it gives you Android Auto, Apple CarPlay, two battery packs to choose from, the entire suite, ambient lighting, ventilated seats. I think it offers a lot and makes a commendable case for itself. But then, how does it fare in its rivalry and that class? Now, that's a story for another day. Always wear your seat belts, wear your helmets, follow Park Plus for more such content. I'll see you on the next one.